नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी हैं भारतीय तो ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए और भारतीय त्योहार के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इस बार यह 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एक स्त्री थी जिसका नाम वीरवती था। बताया जाता है कि वीरवती ने विवाह के पहले वर्ष करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर कुछ न खाने व पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसकी यह हालत उसके भाई देख रहे थे। उन्होंने फौरन एक पेड़ के पीछे जलता दिया रख दिया। इसके बाद वीरवती से कहने लगे कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने जलता दिया देखकर अपना व्रत तोड़ दिया। मान्यता है कि इसके कुछ दिनों बाद पति की मौत हो गई। वीरवती को पूरी कहानी पता चली तो उसने फिर से व्रत रखा और छलनी से चंद्रमा की पूजा की। इसके बाद उसका पति वापस जीवित हो गया। करवा चौथ में छलनी से पति को देखने के पीछे मनोवैज्ञानिक वजह भी है। माना जाता है कि जब पत्नी अपने पति को छलनी से देखती है तो सभी विचार और भावनाएं छनकर शुद्ध हो जाती हैं।